ओम शांति। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक सेठ जी की टोपी गुम हो गई। उन्होंने अपने दो नौकरों को टोपी ढूंढने के लिए बोला और फिर अंदर चले गए। उतने में वहाँ तीसरा नौकर आया। उसने देखा कि दो नौकर कुछ ढूंढ रहे हैं तो वो भी ढूंढने लगा। उतने में सेठ जी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि दो नौकरों के साथ तीसरा नौकर भी कुछ ढूंढ रहा है। तो सेठ जी ने तीसरे नौकर को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? तो नौकर ने जवाब दिया, पता नहीं। तो सेठ जी ने कहा, अगर तुम्हें ये पता ही नहीं कि तुम क्या ढूंढ रहे हो तो क्या तुम वो चीज़ ढूंढ पाओगे? नहीं ना। आपको क्या लगता है, वो तीसरा नौकर सेठ जी की टोपी ढूंढ पाएगा? नहीं ना। तो हमें भी परमात्मा की याद के लिए उनकी सत्य पहचान जरूरी है ना। तो चलो, परमात्मा की सत्य पहचान के लिए मैं आपको पांच बातें बताती हूँ। पहली बात, गॉड इज वन, यानी कि सारे धर्मों की आत्मा के भगवान एक ही है, परमात्मा। दूसरी बात, जिससे ऊंचा कोई नहीं वह सर्वोच्च है। और तीसरी बात, जो सब कुछ जानने वाला है। चौथी बात, जो मान अपमान हानि लाभ के चक्रों से भी पर है। और पांचवी बात, जो सर्वशक्तिवान है वही परमात्मा है। लेकिन हम परमात्मा किसे माने? क्या कृष्ण जी को? लेकिन कृष्ण जी ने तो माता पिता की पालना ली थी ना। माता पिता तो बच्चों से ऊंच होते हैं ना, तो फिर कृष्ण जी सर्वोच्च कैसे हुए? दूसरी बात, क्या राम जी को? लेकिन राम जी ने तो गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी ना, तो गुरु से शिष्य, गुरु तो शिष्य से ऊंच होते हैं ना, तो फिर राम जी सर्वोच्च कैसे हुए? तीसरी बात, क्या हनुमान जी को? लेकिन हनुमान जी तो राम जी के भक्त थे ना, तो फिर हनुमान जी सर्वोच्च कैसे हुए? चौथी बात, क्या देवी माता को? अरे नहीं, सारे धर्मों की आत्माएं देवी माता को भगवान नहीं मानेगी, तो हम परमात्मा किसे माने? हाँ, हम निराकार ज्योतिष स्वरूप को परमात्मा मान सकते हैं, क्योंकि सारे धर्मों की आत्माएं निराकार ज्योतिष स्वरूप को परमात्मा मानती हैं। जैसे कि मुस्लिम धर्म में कहते हैं ना, अल्लाह नूर के समान है। सिख धर्म में कहते हैं ना, एक ओंकार निराकार। और क्रिश्चियन धर्म में तो कहते हैं, गॉड इज लाइट, यानी कि सारे धर्मों की आत्माएं निराकार ज्योति स्वरूप को परमात्मा मानती हैं। और निराकार ज्योति स्वरूप को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, खुदा, ऐसे अलग अलग नामों से। लेकिन जब वो महाज्योति इस धरा पर खुद अवतरित होती है, तब तो अपना परिचय स्वयं ही दे देती है और कहती है, शिवोहम, यानी कि मैं शिव हूँ। और कहते हैं ना, शिव शंभु, यानी कि शिव भू पर आकर अपना परिचय खुद ही देते हैं। और मुस्लिम धर्म में भी तो कहते हैं, खुदा, यानी कि खुदा, वो हम सबके पिता है, इसीलिए हम उन्हें प्यार से बोलते हैं शिव बाबा। शिव बाबा विशाल, और शिव बाबा कोई विशाल या विराट स्वरूप नहीं है, लेकिन इनके गुण और शक्तियाँ विशाल और विराट है। शिव बाबा भी हमारी तरह एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा है, जैसे हम छोटा सा चमकता हुआ सितारा है ना, वैसे शिव बाबा भी हमारी तरह ही छोटा सा चमकता हुआ सितारा है। शिव बाबा की तुलना सागर से की जाती है, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, शक्ति के सागर, पतित पावन, सद्गति दाता, त्रिकालदर्शी, ऐसे अलग अलग नामों से। शिव बाबा भी हमारे साथ परम धाम में ही रहते हैं, हम तो इस सृष्टि पर सिर्फ रोल प्ले करने आते हैं। अरे एक मिनट, क्या आप वो जटाधारी, गले पे शब की माला, त्रिशूल और डमरू बजाने वाले शंकर को तो शिव नहीं मानते हैं ना? नहीं, शिव और शंकर अलग है। जैसे कि कृष्ण के मंदिर में दो प्रतिमाएं होती है ना, एक राधा जी की और एक कृष्ण जी की। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी दो प्रतिमाएं होती है ना, एक लक्ष्मी जी की और एक राधा जी की, एक लक्ष्मी जी की और एक नारायण की। वैसे ही शंकर के मंदिर में भी दो प्रतिमाएं होती है, एक शंकर की, एक शंकर जी की और एक छोटा शिवलिंग।
छोटा शिवलिंग शिव बाबा का प्रतीक है और शिव बाबा परमात्मा है। शिव शंकर तो उनके बच्चे हैं ना, शिव बाबा रचयिता है, शंकर तो उनकी रचना है ना, और शिव बाबा विश्व कल्याण के विश्व संपूर्ण कल्याण के लिए तीन देवताओं की रचना करते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा नई सृष्टि की स्थापना करते हैं, शंकर नई पुरानी सृष्टि का विनाश करते हैं और विष्णु नई सृष्टि की पालना करते हैं। तो यह था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। अब तो आपको भगवान की सत्य पहचान मिल गई ना, अब तो आप भगवान को ढूंढने नहीं जाएंगे ना। और अभी शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। अगर आप भी इस नई सृष्टि में आना चाहते हैं तो अपने आसपास के ब्रह्मा कुमारी आश्रम का संपर्क करें। ओम शांति।